करते हैं बालक बालिका छात्रावास के कर्मचारियों से। इनका आज एक साल से पेमेंट नहीं किया गया है, वेतन भुगतान नहीं हुआ है, इससे ये लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। और आइए देखते हैं इनकी क्या परेशानियाँ हैं, बताइए। हम लोग काम किए हैं, जब से लॉकडाउन लगी है तो हम लोगों की पैसा नहीं मिली है। किस जगह पे काम करते हैं? हम बालिका छात्रावास में, तो हम लोगों की नहीं मिला है लॉकडाउन का पैसा। इतना दिन से हम काम किए तो हम लोगों की पैसा नहीं मिले है। लॉकडाउन पहले का मिला है क्या? लॉकडाउन का पहले का मिल गया है, जितना काम करते हैं उतना तो मिल गया है, मगर लॉकडाउन का पैसा नहीं मिला है। आप कहाँ काम करती हैं? बालिका छात्रावास में। कब से काम कर रहे हैं? काम करते हैं जब से लॉकडाउन के पहले से करे थे, तो लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन का पैसा नहीं मिलता है, जितना काम करते थे उतना पैसा मिलता है। जी जी। और आप अपने अधीक्षिका और अधीक्षक साहब से मतलब कुछ बोले इसके पेमेंट के बारे में? अरे बोलते हैं तो बोलते हैं कि जाओ स्टेटमेंट निकलवाओ तो देखो फिर पैसा आएगा, जितने काम करेगे उतना पैसा पाओगे, नहीं काम करोगे नहीं पाओगे। अच्छा। और आपके अधीक्षिका कौन है? मेरे अधीक्षिका सुषमा मैडम, कनारिया सुषमा सलवानी। वो क्या बोलती है, आप वेतन भुगतान के लिए बोलती है? वो बोले थी कि मतलब वो हम पहले बोले थे वो तो वो नहीं बताए हैं, अभी गए नहीं हैं उनके पास, क्योंकि लॉकडाउन के बारे में हम बोले तो कहें कि अब मिल जाता तो अच्छा होता आप लोगों के, ये और नहीं बोले हैं कि मतलब हम पिछला जितना काम किए हैं उतना मिल गया है पैसा। जी जी। और जब से लॉकडाउन वो भय है तो कहें कि तुम लोग भाई मजदूर हो कहाँ से पैसा मिलेगा, वो नहीं बोले हैं हमको कि मतलब कि वो मजदूर हैं तो सब्जी में लेते हैं। कौन सा चीज़ बोले थे? कौन सा? सिंगार से कहें कि तुम लोग नियम कानून नहीं जानते हो, तुम लोग इनके निकाल देंगे, तुम नहीं जानती हो नियम कानून, मजदूर लोग हो। कितने कर्मचारी हो आप लोग यहाँ? हम चार लोग। नाम लिखो। कौन कौन? अमृत लाल, हम हैं लीलावती, मोहन। तो इनमें से किसी को नहीं मिला पेमेंट? लॉकडाउन को पैसा नहीं मिला है किसी को। देखो।